हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियाज वेज एंड नॉन वेज रेसिपीज में। फ्रेंड्स, आज हम मूली का अचार बनाएंगे। फ्रेंड्स, ठंड शुरू होते ही चारों तरफ मूली बहुत ही मार्केट में दिखाई देने लगती हैं और सस्ते दामों पे भी मिल जाती हैं। तो इस मूली के अचार को आप बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं, महीने दो महीने खा सकते हैं। फ्रेंड्स, मूली का अचार बनाने के बहुत तरीके हैं। ऑलरेडी हमने मूली के अचार बना के रखा हुआ है, लेकिन आपको दिखाने के लिए कि इसे कैसे बनाया जाए, कैसे स्टोर करके रख सकते हैं, इसके लिए हमने इस वीडियो को शूट किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से मूली का अचार बनाते हैं और जान लेते हैं कुछ इन्ग्रीडियंट्स के बारे में और उसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 500 ग्राम मूली लिया है। आप जितना चाहें उतने का बना सकते हैं, उस हिसाब से मसालों को भी बढ़ाकर डाल सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले मूली को अलग किया डंठल से और इसके ऊपर और नीचे के हिस्से को काट लेंगे। फिर उसके बाद इसका छिलका निकालेंगे, जो स्किन ऊपर का है उसे निकाल देंगे। और अगर आप छिलका नहीं निकालना चाहते हैं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सारे छिलकों को हमने निकाल लिया है और इस तरह से मूली के पतले पतले टुकड़े करेंगे। बहुत ज़्यादा मोटे रहेंगे तो जल्दी सूखेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है, मीडियम साइज से करना है। जब तक मूली कट रहे हैं फ्रेंड्स, तब तक इसके बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, मूली सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। मूली में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीज, विटामिन ए, बी, सी, फोलिक एसिड के साथ साथ कई ऐसे गुण भी पाए जाते हैं और ये खांसी में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये था कुछ बेनिफिट्स। और देखिए, मूली को हमने इस तरह से पतला पतला काट रखा है। अब सारे मूली को ऐसे ही काट लेंगे और जो बहुत बड़ा मूली है, मोटा है, उसके हम बीच से ऐसे काट कर इस तरह से काट लेंगे। जब सारे मूली को हम काट लेंगे तो हम इसे धूप में सुखाएंगे, जब तक इसमें का पानी थोड़ा सा ख़त्म ना हो जाए। फ्रेंड्स, ये धूप के ऊपर डिपेंड करता है, धूप जिस तरह का होगा वैसे ही हमें समय लगेगा। इस समय धूप बहुत कम है तो हमें 2-3 दिन लग सकते हैं। इसको सुखाने के लिए किसी साफ कपड़े पर हम अलग अलग फैला कर रखेंगे, एक पर नहीं रखेंगे। इस तरह से जल्दी सूख जाएंगे अलग अलग रखने पर। अब मूली को धूप में डाल देते हैं सूखने के लिए। अभी से 2-3 दिन बाद ही हम अचार डालेंगे, तब तक मसालों को ही आज ही बनाकर तैयार करके रख देते हैं। फ्रेंड्स, मूली का एक और रेसिपी आपके साथ कभी शेयर करूंगी, जो कि इसे तुरंत बनाइए और तुरंत खाइए, वो रखने वाली नहीं होती है। अभी देखिए, यहाँ पर हमने मसालों को लिया है जो कि हम मूली के अचार में डालेंगे। यहाँ पर लेंगे राई 10 ग्राम, अजवाइन 5 ग्राम, मेथी लेंगे 5 ग्राम और सौंफ लेंगे 10 ग्राम, कलौजी लेंगे 10 ग्राम, लाल मिर्च पाउडर लेंगे 10 ग्राम, हल्दी लेंगे आधा चम्मच, पीला सरसों 10 ग्राम, जीरा 10 ग्राम, काला सरसों 10 ग्राम, हींग लेंगे एक छोटी चम्मच और नमक लेंगे 20 ग्राम। और फ्रेंड्स, ऐसे आपको बता दूं कि इतने अचार के लिए आप अगर 5-5 रुपए का भी मसाला लाएंगे तो आपके मसाले और बच भी जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, कढ़ाई या पैन लेंगे, गैस पर रखेंगे और एकदम हल्के आंच पर धीरे धीरे रोस्ट करना है। और इनमें से कुछ मसालों को भूनना है और कुछ को नहीं भूनना है। और इनमें से कुछ मसालों को पीसेंगे, कुछ को नहीं पीसेंगे, इसको आप ध्यान से देखते रहिए। तो देखिए, हमने जीरा को पहले रोस्ट करके निकाल लिया है, अब सौंफ को भुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सौंफ, मेथी दाना, इन तीनों को हमने भून कर निकाल लिया। अब ऐसे ही करके अजवाइन को भी भून लेंगे और जैसे ही भून जाएंगे गैस को बंद कर देंगे और गरम गरम कढ़ाई को ऐसे ही रखेंगे उस पर। और कलौजी को उसमें डालकर बस थोड़ा सा ऐसे गर्म कर लेंगे ताकि वो भी जल्दी ख़राब ना हो। वैसे तो उसे भूनना नहीं है, इसीलिए हमने गैस को बंद कर दिया है। बस थोड़ा सा गर्म कर लें, सेक लें। अब ये भी तैयार है, इनको अलग प्लेट में निकालेंगे, उसमें साथ में नहीं निकालना है। अब देखिए, यहाँ पर हमें क्या क्या मसालों को लिया है पीसने के लिए। सौंफ, जीरा, अजवाइन, मेथी, राई, पीला सरसों, हींग और काला सरसों को हम दरदरा पीसेंगे। बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसना है। जार लेंगे और जार भी सूखा होना चाहिए, बिल्कुल नमी नहीं होना चाहिए इसमें। अब इसके साथ ही काला सरसों, हींग, पीला सरसों और राई को भी डाल देंगे और दरदरा पीस लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स,
इन मसालों में पानी नहीं यूज करना है, इन्हें सूखा ही पाउडर बनाना है, इस बात का आप ध्यान रखें। देखिए फ्रेंड्स, इसका बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है, बस थोड़ा दरदरा रहना चाहिए। अब इन्हीं में हम लाल मिर्च पाउडर को भी डाल देते हैं, हल्दी पाउडर भी डाल देंगे, नमक को डालेंगे, और जो हमने कलौंजी को रखा है, इसको हमने पीसा नहीं है, उसे भी इसमें मिक्स कर लेंगे। अब इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जब मिक्स हो जाएंगे तो हमारे जब मूली सूख जाएंगे 2-3 दिन बाद, तो फिर हम अचार बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मूली को सूखते हुए 3 दिन हो गए हैं, क्योंकि धूप बहुत अच्छी नहीं थी। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, फटाफट से सारे मसालों को मिला लेते हैं, बस ये तैयार है। तो देखिए, इसमें हमने जो मसालों को बनाकर तैयार किया है उसको डालेंगे। मूली धूप में सूख जाने के बाद और भी कम और हल्की हो गई है, तो देखिए इसमें मसाले भी कम ही पड़ेंगे। अगर बड़े चम्मच है तो 2 चम्मच, और खाने वाले चम्मच है तो उसे 4 चम्मच हम मसाले डालेंगे। और मसाले बच गए हैं फ्रेंड्स, इसे आप फिर से अचार बना सकते हैं या फिर किसी भी रेसिपी में यूज कर सकते हैं, जैसे कि पराठे हुए, कचौरी, बैंगन की सब्जी, मसाले वाली भिंडी, बहुत चीज़ हैं जो इससे बनाई जा सकती हैं। तो फ्रेंड देखिए, इसको हमने मिक्स कर लिया है अच्छे से, और पहले से ही हमने गर्म तेल, सरसों के तेल है, उसको हमने गर्म किया है, और उसके बाद इसको ठंडा कर दिया है। पहले बहुत ज़्यादा गर्म कर लेंगे, उसके बाद ठंडा कर लेंगे। जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी तो हम इसमें अचार में डाल देंगे। और थोड़े से तेल को हमने बचा लिया है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, तो आपको इसमें से अगर कोई भी टेस्ट कम लगेगा, जैसे कि मिर्च कम है तो मिर्च ऊपर से डाल सकते हैं, आपको नमक कम है तो नमक डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहीं पर आप 1 या 2 नींबू का रस, बड़ा नींबू का रस इसमें यूज कर सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा थोड़ा सा खट्टा फ्लेवर आ जाता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, तो आप इसमें नींबू का रस ज़रूर डालें। और जब ये मिक्स हो जाएंगे तो इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख देंगे, और इन्हें बीच बीच में कभी कभी धूप दिखाते रहें। ये तो बहुत थोड़ी है तो ये तो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन आप ज़्यादा बना रहे हैं तो इसे इसी तरीके से बनाकर स्टोर करें। और फ्रेंड्स, एक और बात कि अगर आप तुरंत अचार ये बना रहे हैं, तो हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर को गर्म तेल में ही थोड़ा सा 2-3 सेकेंड के लिए भून कर ही अचार में के साथ मिलाइए, उससे बहुत ज़्यादा फ्लेवर और कलर दोनों अच्छा आता है। अब हमारे मूली के अचार तो बनकर तैयार हैं फ्रेंड्स, इन्हें पराठे पूरी के साथ खाइए, दाल चावल के साथ खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के मेरे मूली के अचार की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आप इसे बनाइए, खाइए, खिलाइए, और मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो अभी तुरंत कर लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।